सोलवा अध्याय। तत्व ज्ञान प्राप्त कर लेने पर संपूर्ण प्रपंच और तृष्णा का नाश ही तो मुक्ति है, यह बताते हुए अष्टावक्र जी कहते हैं, प्रिय शिष्य, चाहे तुम अनेक शास्त्रों को अध्ययन करो अथवा अनुशीलन करो, तुम्हें आत्मस्वरूप के दर्शन नहीं होंगे। जीव मुक्त होने का तब तक आनंद नहीं मिलेगा जब तक तुम केवल पढ़ी हुई या सुनी हुई ज्ञान वार्ताओं को भूलकर उन्हें आत्मसात न करोगे। ज्ञान को केवल बुद्धि का विषय बना छोड़ने की अपेक्षा उनके अनुसार जीवन में आचरण करना, उसे जीवन में उतारना आवश्यक समझें। चाहे तुम संचित कर्मों का फल भोगो अथवा कर्मठ बनो, ध्यान करो या समाधि लगाओ, तुम्हारे चित्त को तब तक पूरी शांति नहीं मिलेगी जब तक तुम अपने किए कर्मों का फल भोगने की आशा या तृष्णा का त्याग न करोगे और पूरी तरह से आसक्ति रहित नहीं होगे। सभी संसारी लोग शरीर के निर्वाह के निमित्त श्रम करते हैं और इस प्रकार कर्म विकर्म में प्रवृत्त होकर दुख उठाते हैं। इस तथाकथित श्रम से निवृत्त होकर केवल अनायास प्राप्त भोग भोगने में ही संतुष्ट रहने वाला सर्वथा निवृत्त ज्ञानी ही धन्य होता है। जो पलक उठाने और गिराने के श्रम को भी अनायास ना करके श्रम साध्य बना लेते हैं, वे कभी सुखी नहीं हो सकते। अनायास होने वाले श्रम से ही सुख मिलता है, श्रम साध्य कार्यों में कोई सुख नहीं, क्योंकि प्रत्येक श्रम का मनचाहा फल नहीं मिल पाता। इससे निराशा होती है और मन अशांत होता है। मनुष्य का मन जब द्वंद्वातीत हो, कोई दुविधा ना रहे, तभी उसे सुख मिलता है। मैंने यह काम कर लिया, वह नहीं किया आदि विचारों से डामाडोल चित्त को सुख नहीं मिलता। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की इच्छा से किया गया काम भी सुखदायी नहीं हो सकता। अतः इच्छा से प्रेरित होकर कोई भी काम करके सहज भाव से ही रहना चाहिए। सभी द्वंद्वों और इच्छाओं से रहित पुरुष ही जीव मुक्ति के सुख को प्राप्त होता है। विषय वासना से अछूता व्यक्ति वैरागी नहीं बनता। जब तक कोई व्यक्ति ग्रहण करने के बाद उसका तिरस्कार पूर्वक त्याग ना कर दे, तब तक वैरागी कहलाने का अधिकारी नहीं होता। विषयों के प्रति अनुराग होने से ही वह रागी बनता है। जो इस ग्रहण त्याग की इच्छा से ऊपर उठ जाता है, वही व्यक्ति जन्म मरण के बंधन से मुक्त रहने वाला सच्चे अर्थों में सुखी है। संसार में तृष्णा की प्रवृत्ति वैसी ही स्वाभाविक है जैसे वट वृक्ष में अंकुरित होने की प्रवृत्ति। ग्रहण त्याग की प्रवृत्ति भी वैसी ही है। प्रारब्ध कर्म का भोग करना मनुष्य के स्वभाव का अंग है। यह भोग करना विचार पूर्वक नहीं होता, सहज प्रवृत्तिश होता है। विषय भोग की इच्छा में प्रवृत्त होने के परिणाम स्वरूप जब निवृत्ति से प्रवृत्ति की ओर झुकाव हो, तो मनुष्य को विचार पूर्वक निवृत्ति की अवस्था में यथावत स्थिर हो जाना चाहिए। इस प्रकार निर्द्वंद होकर जीना ही उसके स्वभाव का अंग बन जाएगा, ना उसमें प्रवृत्ति होगी ना निवृत्ति। इसी मनोवस्था में रहना कल्याणकारी है। भोगों में आसक्त होने के कारण ही राग वाले व्यक्ति को दुख होता है। दुखों से मुक्त होने के लिए वह संसार के परित्याग की कामना करता है, उसे इस त्याग में ही दुख होगा। वीतरागी व्यक्ति वह है जो इस ग्रहण त्याग दोनों से अलग रहता है। आसक्त न होना उसका स्वभाव बन जाता है और वह उसी दशा में स्थिर रहता है, कभी डावाडोल नहीं होता। जिस व्यक्ति के चित्त में अज्ञान बना रहता है, उसे शांति कदापि प्राप्त नहीं होती। ऐसे वीतरागी व्यक्ति को कभी बंधन मुक्त होने का अभिमान नहीं होता और न जीवन के प्रति ममता होती है। जिसे मोक्ष का अभिमान हो, वह योगी नहीं होता। सच्ची मुक्तात्मा को अभिमान हो ही नहीं सकता। चाहे तुम्हें साक्षात महादेव जी उपदेश दें, भगवान विष्णु या ब्रह्मा जी तुम्हारे हित की बात करें, तुम्हारा मन तब तक स्वस्थ नहीं हो सकता जब तक तुम सांसारिक व्यवहार अथवा अतीत को भूलने का स्वभाव नहीं बनाओगे। आत्मतत्व के उपदेश से पहले विषयों का त्याग बहुत आवश्यक है। 17वां अध्याय।
पुरुषों की ब्रह्म विद्या में प्रवृत्ति करने और आत्मज्ञान का फल बताने के उद्देश्य से अष्टावक्र जी ज्ञान की दिशा का वर्णन करते हुए कहते हैं, जो साधक इंद्रियों के विषय भोग की इच्छा से ऊपर उठ गया है और जो स्वयं तृप्त होकर आत्मिक आनंद में एकाकी रमण करता है, वह आत्मज्ञान और योगाभ्यास का फल एक साथ पा जाता है, जीवन मुक्त हो जाता है। हे शिष्य, ऐसा तत्वज्ञानी इस जगत में रहता हुआ तो कभी खिन्न नहीं होता है, न दुख का अनुभव करता है, क्योंकि वह जान जाता है कि समस्त ब्रह्मांड मंडल में वही व्याप्त है और उसकी महिमा लोक लोकांतरों में विस्तारित है। आत्मज्ञान हो जाने से जीवन मुक्त और स्वयं में पूर्ण संतुष्ट साधक को विषय भोग आकर्षित नहीं करते। मधुर रस युक्त लता वलक्रियों को खाकर संतुष्ट हाथी जिस प्रकार नीम के कड़वे पत्ते खाने को नहीं ललचाता, उसी प्रकार आत्मानंद से तुष्ट व्यक्ति को विषय आनंद आनंदित नहीं कर सकते। ऐसे सदा तृप्त संतुष्ट व्यक्ति को ज्ञान पाने के बाद पहले भोगे विषयों की याद भी नहीं आती और उसे उन विषय भोगों की लालसा भी नहीं होती जो उसने नहीं भोगे हैं। ऐसे पूर्णतः सिद्ध पुरुष विरले ही होते हैं, मगर होते अवश्य हैं। संसार में भोग भोगने वाले बुभुक्ष मनुष्य भी मिलेंगे अथवा मोक्ष की इच्छा करने वाले मुमुक्ष मनुष्य भी मिलेंगे, किंतु जगत में ऐसे व्यक्ति बहुत कम मिलेंगे जो दोनों इच्छाओं से मुक्त होकर शुद्ध अंतःकरण से परम ब्रह्म में स्थित हो। संसार में ऐसे स्थित प्रज्ञ सिद्ध पुरुष विरले हैं जो धर्म अर्थ काम मोक्ष जीवन मरण आदि सबसे उदासीन होकर अद्वैत आत्मा में स्थित हों। ऐसे उदार भावी मनुष्य त्याग और ग्रहण की दुनिया से भी ऊपर उठ जाते हैं। जिस व्यक्ति में विश्व के लय होने की इच्छा अथवा विश्व के स्थिर रहने से कोई द्वेष नहीं, अर्थात जगत प्रपंच के रहने या नष्ट होने से जिसे कोई लेना देना नहीं है और जो विश्व को साक्षी भाव से देखता है, वही कृत कृत और पूजनीय है। वही मनुष्य कृतार्थ है जो संसार में देखने सुनने स्पर्श करने खाने पीने आदि सभी लोक व्यवहार करते हुए भी निरासक्त एवं निसंग रहता है। ऐसा मनुष्य निष्काम कर्म करते हुए भी कर्म जाल में कभी नहीं फंसता। ऐसे निष्काम कर्म योगी के लिए मानो संसार सागर सूख ही जाता है, वह राग विराग दोनों से अछूता रहता है, उसकी दृष्टि शून्य हो जाती है, इंद्रियां चेष्टाहीन रहती हैं और संसार सागर की लहरें उसे स्पर्श भी नहीं कर सकती। न तो वह जागता है, न सोता है, न पलक खोलता है, न बंद करता है, उसके लिए ये सब कार्य स्वयं अनायास हो जाते हैं, वह प्रयास पूर्वक कोई कार्य नहीं करता, ऐसी अलौकिक स्थिति में विरले ही पहुँच पाते हैं। ज्ञानवान की अलौकिक अवस्था का वर्णन करते हुए अष्टावक्र जी कहते हैं, ऐसा शीर्षस्थ निर्मल अंतःकरण वाला व्यक्ति सब कालों में स्वस्थ प्रसन्न रहता है, सभी प्रकार की वासनाओं से मुक्त होने के कारण ऐसा समदर्शी योगी सर्वजयी हो जाता है, वह सभी अवस्थाओं में एक रस रहता हुआ ज्यों का त्यों प्रकाशमान रहता है। इच्छा अनिच्छा से मुक्त हुआ जीवन मुक्त मनुष्य सर्वत्र देखने सुनने स्पर्श करने सूंघने खाने ग्रहण करने त्याग करने बोलने चालने आदि समस्त कार्य करते हुए भी कार्य बंधन से मुक्त रहता है। ऐसा जीवन मुक्त मनुष्य न किसी की निंदा करता है और न स्तुति करने में प्रवृत्त होता है, वह न तो बहुत हर्षित होता है न क्रुद्ध होता है, न किसी से कुछ लेता है और न किसी को कुछ देता है, वह तो सर्वत्र उदासीन मन अपने आप में मग्न एवं समरस रहता है। अनुरक्त स्त्री के समीप होने पर भी जिस मनुष्य का मन कामातुर नहीं होता, मृत्यु निकट देखकर जो व्याकुलता अनुभव नहीं करता और सदा स्वस्थ मन से सब व्यवहार करता है, वही पुरुष जीवन मुक्त होता है।
सुख दुख में संभाव से रहने वाला, नर नारी दोनों के संपर्क में समान व्यवहार करने वाला, संपत्ति और विपत्ति में सर्वत्र समदर्शी रहने वाला व्यक्ति ही जीवन मुक्त कहलाने के अधिकारी बनता है। जीवन मुक्त मनुष्य के हृदय में उद्वेग या आवेश के उतार चढ़ाव नहीं आते। हिंसा, अतिशय करुणा, आश्चर्य, शोभ आदि सभी आवेशों से उसका मन कभी डावाडोल नहीं होता। जीवन मुक्त व्यक्ति संसारी विषय भोगों का लोभ भी नहीं करता और उसके प्रति विद्वेष की भावना भी नहीं रखता। उसके हृदय में विषय वासना की लालसा नहीं जागती। अनासक्त भाव से वह सहज सुलभ भोगों को भोगता है और अप्राप्त भोगों के प्रति उदासीन रहता है। पूर्णतः अनासक्त और विकार शून्य मन रखते हुए वह समस्याओं और साधनाओं के तथाकथित हितकारी या अहितकारी कल्पनाओं से दूर रहता है। यही कैवल्य की स्थिति है। ऐसी मन स्थिति में रहता हुआ वह सदा सर्वत्र संभाव से विचरण करता है। जो व्यक्ति मैं मेरा के अहंकार सूचक भाव से रहित होकर अपने कर्म करता रहता है, अभिमान शून्य रहते हुए मैं मेरा आदि दंभ भाव का शिकार नहीं बनता, ऐसा दृढ़ वृत्ति व्यक्ति सब व्यवहार करते हुए कर्म पाश के बंधन में नहीं बंधता और कर्मठ होते हुए भी निष्कर्म कहलाता है। अनासक्त भाव से कर्म करने वाला संकल्प विकल्पहीन व्यक्ति का मन सदा प्रसन्न प्रकाशित रहता है। सम्मोह, स्वप्न, जोड़ना आदि की अज्ञान जन्य भावनाओं से वह कभी ग्रस्त नहीं होता और लोक व्यवहार करते हुए वह अलौकिक आनंद का अनुभव करता है। 18वां अध्याय। शांति की प्रधानता का वर्णन करते हुए अष्टावक्र जी कहते हैं, उस सर्वथा शांत आत्मा को नमस्कार है जिसको यथार्थ ज्ञान होते ही यह प्रत्यक्ष संसार ब्रह्मपूर्ण स्वप्नवत प्रतीत होने लगता है और वह स्वयं सुखमय, तेजोमय और प्रकाश स्वरूप हो जाता है। अतुल धन दौलत कमाकर मनुष्य संसारी भोग सामग्री का स्वामी अवश्य बन जाता है, किंतु उसे आंतरिक सच्चा सुख तभी मिलता है जब वह अर्जित धन का स्वयं परित्याग करता है। अनिवार्य कर्तव्य रूप से प्राप्त कर्म करते हुए जिस व्यक्ति का मन ऐसे संतप्त हो गया हो जैसे सूर्य की प्रचंड धूप में पौधे कुमला जाते हैं, उसे शांति की पीयूष धारा का अमृत पान करने पर ही शाश्वत सुख मिलता है। यह संसार तत्वतः संकल्प मात्र है, यथार्थ में यह कुछ भी नहीं है। इसकी समस्त सत्ता केवल ब्रह्मपूर्ण है। इस भ्रांति के अभाव में अर्थात इस भ्रांति के टूटते ही सत्य स्वभाव आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है, क्योंकि भाव रूप आत्मा सदैव भाव रूप में विद्यमान रहती है, उसका अभाव कभी नहीं होता। सदा सर्वत्र रहने में आत्मा किसी के लिए दूर नहीं है और किसी से छुपी हुई भी नहीं है। केवल उसके स्वरूप के अज्ञान के कारण उससे साक्षात्कार नहीं होता। ज्ञान होते ही निर्विकल्प, निर्विकार, निरंजन आत्मा की अनुभूति अनायास हो जाती है। अज्ञान जन्म मोह की निवृत्ति होते ही साधक को अपने सत्य स्वरूप का ज्ञान स्वयं हो जाता है। उसी क्षण साधक के ज्ञान चक्षुओं पर पड़ा पर्दा दूर हो जाता है और वह सभी प्रकार के शोक, मोह आदि से मुक्त होकर सानंद विचरण करता है। यह सारा जगत कल्पना मात्र है। आत्मा अपने सत्य स्वरूप में नित्य मुक्त है। यह जानकर कोई सिद्ध पुरुष बच्चों की तरह अज्ञानी बालक के समान मूर्ख बनकर मूर्खतापूर्ण आचरण क्यों करेगा? जीवात्मा ब्रह्म रूप ही है। उसके भाव अभाव, होने न होने की कल्पना अज्ञानवश होती है। यह निश्चय हो जाने के उपरांत निष्काम पुरुष में कुछ भी जानने या बोलने का अभिमान नहीं रहता। नित्य नई जिज्ञासा और ज्ञान वार्ता करने की कामना भी उसके मन में नहीं रहती। सर्वत्र व्यापक आत्मा ही नित्य सत्य है, शेष सब मिथ्या प्रतीति है। यह विश्वास दृढ़ हो जाने पर मौन हुए साधक की ये कल्पनाएं कि वह यह वह है
वह मैं हूँ, यह मैं नहीं हूँ आदि सभी भावनाएं लुप्त हो जाती हैं, जिससे न तो विक्षेप होता है न एकाग्रता के अभ्यास की चिंता रहती है। उससे विचारक या विचार शून्य होने की भी आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि वह केवल आत्मानंद में मग्न रहता है। संकल्प विकल्प रहित ऐसे ज्ञान योगी को किसी प्रकार के उद्वेग अशांत नहीं करते, चाहे वह अपना मालिक हो या भिक्षावृत्ति से निर्वाह करता हो, उसे लाभ हो या हानि हो, वह बड़े नगर में रहता हो या वन में, वह सर्वत्र संभाव से समरस रहता है, किसी के लिए कोई विशेष व्यवहार नहीं करता। सब प्रकार की संसारी दुविधाओं से ऊपर उठे मनुष्य के लिए धर्म, अर्थ, काम, विवेक आदि शब्दों की सीमा का बंधन नहीं रहता। उसे इस बात की चिंता नहीं सताती कि उसने यह कार्य किया या वह कार्य नहीं किया। वह सब तर्क वितर्क से ऊपर उठ जाता है। विवेक अविवेक का विकल्प भी उसे कदाचित कष्ट नहीं देता। जीवन मुक्त व्यक्ति के लिए अनिवार्य रूप से कर्तव्य कर्म का बंधन नहीं रहता। वीतरागी होने के कारण वह सभी सांसारिक रिश्ते नातों से अलग रहता है। जैसे प्रारब्धवश मनुष्य का जन्म मिला, वैसे ही उसको जीवन यात्रा के सब कार्य प्रारब्धवश स्वयं सहज रूप से होते रहते हैं। जीवन मुक्त व्यक्ति के मन में किसी प्रकार का मोह नहीं होता, अतः उसके लिए सब लोक व्यवहार अर्थहीन हो जाते हैं। उनमें बंधन या उनसे मुक्ति पाने का यत्न भी उसे संतप्त नहीं करता, क्योंकि वह सब संकल्पों से और उनकी पूर्ति के लिए करने वाले कार्यकलाप से मुक्त हो जाता है। वह जगत के सब कार्यकलाप देखता हुआ भी नहीं देखता, क्योंकि उसके मन में किसी वस्तु के लिए वासना ही नहीं रहती, कुछ भी ग्रहण करने की इच्छा नहीं होती। संसार की सब वस्तुओं को उसकी आंखें देखती हैं, मगर उसकी नज़र में उन वस्तुओं का कोई अस्तित्व नहीं है। उन वस्तुओं का होना या न होना एक बराबर है। जिसके ज्ञान चक्षु परम ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेते हैं, उसके लिए सारा जड़ चेतन जगत ब्रह्ममय हो जाता है और वह सब चिंताओं से मुक्त हो जाता है। ब्रह्म के अतिरिक्त उसे दूसरा कुछ दिखाई नहीं देता। मैं ब्रह्म हूँ, इस चिंतन की भी उसे आवश्यकता नहीं रहती। जिसके मन में आत्मसत्ता विषयक संशय है, विग्रह है, उसे ही अपने विक्षेपों की, चंचल चित्त की वृत्तियों के दमन की आवश्यकता रहती है। जिसे कोई संशय नहीं है, जो स्थिति प्रज्ञ है, उसे साधना अथवा चित्त निरोध आदि के अभ्यास की क्या आवश्यकता। स्थित प्रज्ञ आत्मज्ञानी की चित्त वृत्तियों के निरोध के लिए योगाभ्यास की तथा समाधि लगाने के लिए कठोर साधना की जरूरत नहीं रहती। वह बाहर से संसारी कार्यकलापों में व्यक्त रहता हुआ भी यथार्थ में कर्म पाश में कदाचित नहीं फंसता, वरन अलिप्त और निसंग ही रहता है। जो आत्मदर्शी विद्वान भाव अभाव से मुक्त रहता है, सदा तृत्व एवं वासनाहीन रहता है, वह लोक दृष्टि से सब कर्तव्य कर्म करता हुआ या न करता हुआ भी कर्म बंधन में कभी नहीं फंसता और न उसके मन में किसी प्रकार के विक्षेप होते हैं। स्थित प्रज्ञ आत्मज्ञानी व्यक्ति कर्तृत्व के अभिमान से शून्य होने के कारण कर्म करने में प्रवृत्त होने या कर्म से निवृत्त होने का हठ नहीं करता। जो काम करता है उसे सुखपूर्वक करता है और असंग भी बना रहता है। जैसे वायु वेग से टूटा हुआ वृक्ष का पीला पत्ता हवा के बहाव के साथ स्वच्छंद उड़ता रहता है, वैसे ही वासनाहीन मनुष्य संसार के अवलंब से मुक्त होकर प्रारब्ध द्वारा प्राप्त जीवन के प्रवाह में अनायास बहता है। वह स्वयं के आग्रह से न तो कुछ करता है और न कुछ करने से इनकार करता है। दुनियादारी से अलग हुए वीतराग व्यक्ति को न तो अतिशय हर्ष होता है और न विषाद होता है। नित्य शीतल शांत मन से सदा एक रस रहते हुए वह सदा स्वच्छ मन से विचरता है और देहिक विकारों से भी दुखी नहीं होता।
आत्मभाव से रमने वाले शीतल शांत स्वभाव वाले आत्मज्ञानी के मन में न तो स्वतः कुछ ग्रहण करने की उत्कंठा होती है और न त्याग का आग्रह होता है। ग्रहण त्याग के अहंकार से वह मुक्त रहता है। स्वभाव से ही चित्त वृत्तियों के शांत होने पर केवल प्रारब्धवश उपस्थित कर्तव्य कर्म करते रहने वाला विकार रहित एवं अहंभाव से शून्य व्यक्ति संसारी सम्मान अपमान की भावना से ऊपर उठ जाता है। वह दोनों स्थितियों में समरस रहता है। सब संसारी कार्य करते हुए भी वह अहंकार भाव से और अहंकार जन्य चिंता से मुक्त रहता है, क्योंकि वह अनुभव करने लगता है कि ये सारे कार्य तो मेरे मनोमयी देह द्वारा किए जा रहे हैं, विशुद्ध आत्मा द्वारा नहीं। अतः वह सब काम करते हुए भी निष्काम रहता है। मैं कर्म नहीं करूँगा कहते हुए जो ज्ञानी कर्म करता है, वह उस बालक की भांति झूठा नहीं होता जो नाना करते हुए भी अनचाहे काम करने को विवश होता है। बालक की विवशता हठपूर्ण मूर्खता के कारण होती है, किंतु ज्ञानी की विवशता इस ज्ञान से होती है कि उसे प्रारब्ध से प्राप्त कर्म करने से ही होंगे। ज्ञानी सभी प्रकार की दुविधाओं से छूटकर आत्मा के सत्य स्वरूप को जानने के बाद चरम शांति पा जाता है। तब वह अपने मन से न कल्पना करता है, न उसे नया जानने का कौतूहल रहता है। उसका देखना सुनना भी अपना नहीं रहता, क्योंकि आंखें देख कर भी नहीं देखती और कान सुनकर भी नहीं सुनते, अर्थात सब कुछ अनदेखा और अनसुना ही हो जाता है। आत्मज्ञानी को मोक्ष की इच्छा भी नहीं रहती और उसे समाधि लगाकर योग द्वारा मोक्ष साधना भी नहीं करनी पड़ती। जब मन में विग्रह विक्षेप ही नहीं तो समाधि और मोक्ष का कोई प्रयोजन नहीं रहता। आँखों से दिखने वाला यह सब जगत मिथ्या है, कल्पित है, यह जानकर ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म भाव से स्थिर हो जाता है। जिसके मन में कर्तृत्व का अभिमान होता है वह कर्म बंधन से मुक्त नहीं होता। वह लोक दृष्टि से कर्म शून्य रहकर भी कर्म पाश में बंधा ही रहेगा। इसके विपरीत अहंकार शून्य व्यक्ति द्वारा स्वयं कुछ न किए जाने पर भी जब कर्म सिद्धि होगी तो लोक दृष्टि से भले ही उसे कर्ता मान लिया जाए, किंतु वह स्वयं निसंग ही रहेगा। आत्मज्ञानी का मन बिना कर्म किए स्थित होने या चेष्टा द्वारा अवस्थित होने की कामना कभी नहीं करता, किंतु वह संकल्प विकल्प रहित होकर अपने सत्य स्वरूप में स्थित रहने की कामना अवश्य करता है। यह कामना स्वाभाविक और जीवन स्तर को ऊंचा उठा लाने वाली होती है। अज्ञानी तत्व ज्ञान को सुनकर भी मूढ़ बना रहता है अथवा अपने चित्त को समाधि की ओर लगाता है, किंतु यथार्थ तत्व ज्ञान के बाद मन सन्मार्ग की ओर प्रवृत्त अवश्य होता है। जो आत्मा के सत्य स्वरूप से अनजान रहते हैं वे चित्त को एकाग्र करने या प्रवृत्तियों के दमन का निरंतर अभ्यास करते हैं, परंतु ज्ञानी व्यक्ति को कठिन साधना या अखंड अभ्यास की कोई आवश्यकता नहीं होती। वह तो संसार को स्वप्नवत मानकर सहज ही आत्मस्वरूप में स्थित रहता है। मूर्ख या अज्ञानी व्यक्ति तो प्रायः कठिन साधना या अखंड अभ्यास के बाद भी सच्ची निवृत्ति नहीं पाता, वरन उसका मन चंचल ही रहता है। कठोर साधना और अभ्यास के मार्ग पर चलने वाले साधक को आत्मा के सच्चे स्वरूप का आभास नहीं मिलता। जो पूर्ण शुद्ध चैतन्य प्रपंचहीन अविकारी और दुख रहित है, अष्टावक्र जी कहते हैं, हे जनक, इच्छा ही अशांति का मूल है, अतः शांत होने की इच्छा भी अशांति का कारण बन जाती है। आत्मज्ञानी व्यक्ति इच्छा नहीं करता अपितु तत्व ज्ञान प्राप्त करता है, तब उसे स्वतः शांति मिल जाती है, उसका मन सहज शांति प्राप्त कर लेता है। प्रत्यक्ष दिखने वाली वस्तु के अस्तित्व पर ही विश्वास करने वाले मनुष्य को आँखों से न दिखने वाली आत्मा का दर्शन कैसे होगा? ज्ञानी वह है जो प्रत्यक्ष को महत्व न दे, उसे मिथ्या माने और प्रत्यक्ष न दिखने वाली अनिवासी आत्मा को ज्ञान की आँखों से देखे।
अप्रत्यक्ष आत्मा ही आत्मदर्शन कर सकती है। बुद्धिहीन व्यक्ति शुद्ध अद्वैत आत्मा की केवल कल्पना करते हैं, ज्ञान द्वारा इस कल्पना का आधार पाने का यत्न नहीं करते। उन्हें आत्मा का साक्षात्कार नहीं होता, वे आत्मानुभव के आनंद से वंचित ही रह जाते हैं। दृढ़ निश्चय पर पहुंचने के लिए बुद्धि को सम्यक ज्ञान का अवलंबन लेना पड़ता है। ज्ञान का आधार पाकर जीवन मुक्त व्यक्ति ही सदा निष्काम और स्वतः अपना आधार अपने आप ही बनकर रहता है। वासना रहित मनुष्य ऐसे शेर की तरह हो जाता है जिसे देखकर विषय विकार, चाहे वह हाथी की तरह विशाल काय क्यों न हो, दूर भाग जाते हैं और असमर्थ होकर चुपचाप पीछे हट जाते हैं। उनका रूप रंग ही बदल जाता है। ये आवेश अभिशाप बनकर ईश्वर प्रेरित वरदान बन जाते हैं और उसके सेवक और संसारी जीवन को विद्वित निभाने में सहयोगी बन जाते हैं। तत्व ज्ञान द्वारा शुद्ध और स्वस्थ हुए मन वाला जीवन मुक्त व्यक्ति संसारी आचार व्यवहार के प्रति न तो अनुराग दिखलाता है और न ही वैराग्य। अपनी अंतः प्रेरणा से अनायास सब कर्म कर्तव्य उनमें लगा हुए बिना उदासीन भाव से वह करता रहता है। जीवन मुक्त व्यक्ति पराधीन होकर या विवशता पूर्वक अपने कार्य नहीं करता, वरन स्वतंत्र मन से करता है, इसलिए उसे अपने कार्यों से सुख मिलता है। स्वाधीनता की यह भावना उसे सच्चा ज्ञान पाने में और भी सहायक होती है। यही भावना उसे निवृत्ति दिलाने और परम पद पर या ब्रह्म पद की अनुभूति करवाने का मार्ग प्रशस्त करती है। जब मनुष्य को विश्वास हो जाए कि उसकी आत्मा अपने सच्चे स्वभाव से न तो कुछ करती है और ना ही भोगती है, तब उसकी सारी चित्त वृत्तियाँ स्वयं शांत हो जाती हैं। किंतु ऐसा होता तभी है जब अपने आप का ज्ञान हो जाए। अकर्ता या अपभोक्ता कहने भर से कुछ नहीं होता, उसके अनुसार आचरण भी होना आवश्यक है। यदि आत्मज्ञानी का ज्ञान परिपक्व हो चुका है और उसकी कल्पित इच्छाओं और राग विराग के बंधनों से सहज मुक्ति हो चुकी है, तो कदाचित प्रारब्धवश उसे संसारी भोग लीला करनी भी पड़े, तब भी वह लीला में लिप्त नहीं होता। वह निष्काम भाव से कर्म करते हुए भी कर्म बंधन में नहीं फंसेगा। ऐसा जीवन मुक्त व्यक्ति विद्वानों, तीर्थ स्थलों और देव पुरुषों की पूजा करके एवं नारी, राजा, पुत्र पौत्र आदि के संग रहकर भी निसंग और निर्लिप्त ही रहेगा। इनके संसारी व्यवहार करता हुआ वह किसी वासना का शिकार नहीं होगा और मोह, शौक, माया, ममता की जंजीरों में नहीं फंसेगा। इस प्रकार के सच्चे आत्मज्ञानी का यदि उसके पुत्र पौत्र या बंधु बांधव तिरस्कार कर दें या अपमान करके लांछित कर दें, तो भी उसके मन में कोई शोभ नहीं होगा। वह सभी प्रकार के मान अपमान, स्वार्थपूर्ण योग वियोग और राग विराग से सदा अछूता रहेगा। अज्ञानी मूर्ख जब कर्महीन होता है, तब भी उसका मन शांत नहीं होता। वह मन में संकल्प विकल्प होने और संकल्प पूर्ति न होने के कारण शुद्ध रहता है। जीवन मुक्त व्यक्ति प्रत्येक कर्तव्य कर्म सुखपूर्वक कर लेता है। वह सुखपूर्वक उठता बैठता है, सुखपूर्वक आता जाता है, सुखपूर्वक भोजन करता है और संयम पूर्वक योग्य वस्तु का भोग भी करता है। वैरागी कहे जाने वाले पुरुषों का वैराग्य प्रायः धन संचय के त्याग तक ही सीमित रहता है। सच्चा वैराग्य तभी होता है जब अपने शरीर से वैराग्य हो जाए। ऐसे सच्चे वैरागी को ज्ञान विराग दोनों से ही दूर रहने की इच्छा करनी चाहिए। देह का अभिमान जब तक शेष रहता है, तब तक व्यक्ति का राग विराग विद्यमान रहता है। वह प्रज्ञावान आत्मज्ञानी धन्य है जो सभी कालों और सब परिस्थितियों में संभाव रहता है। वह अनासक्त भाव से सब देखता, सुनता, छूता, सूंघता और खाता पीता हुआ भी सदैव तृष्णा रहित शांत चित्त रहता है। स्वच्छ आकाश की तरह निर्विकल्प व्यक्ति की दृष्टि में संसार और उसके सारे आभास का कोई अस्तित्व नहीं रहता।
उसके लिए किसी साध्य और साधना का होना भी आवश्यक नहीं। उसे न तो अपने कोई स्वार्थ सिद्ध करना होता है, न ही उसके लिए साधना की कोई आवश्यकता होती है। वही व्यक्ति जीवन मुक्त होकर दुखों पर विजय पाता है जिसके मन में कोई विग्रह अथवा द्वंद्व नहीं होता, जो किसी फल की आकांक्षा से कर्म नहीं करता और अपने सच्चे स्वरूप का ज्ञान पाकर उसमें ही पूर्ण रूपेण समाधिस्थ हो जाता है। उसका अपने स्वरूप में समाधिस्थ होना कृत्रिम साधनों से नहीं अपितु स्वभाववश हो जाता है। अब और अधिक क्या कहूँ। सारतत्व यही है कि जो ज्ञानी संसार के भोगों और भोगों के सुखों से मुक्त होने की आकांक्षा से भी रहित है, वही सच्चा जीवन मुक्त है। उसके हृदय में कोई संदेह संशय नहीं रहता, वरन वह सदैव समरस रहता है। जिस ज्ञानी ने आत्मा के सच्चे स्वरूप को आत्मसात कर लिया है, उसके लिए इस मिथ्या जाल में फंसकर कर्तव्य कर्म करने की अनिवार्यता भी नहीं रहती। आत्मा के चैतन्य स्वरूप के अधिष्ठित हो जाने के बाद जीवन मुक्त व्यक्ति को जड़ जगत के प्रपंच में कुछ भी सत्य प्रतीत नहीं होता। जो आत्मदर्शी ज्ञानी अनंत रूपों में अभिव्यक्त प्रकृतियों जड़ जगत को भी देखने के लिए आकर्षित नहीं होता, उसके लिए बंधन कहाँ, मोक्ष कहाँ, हर्ष कहाँ, विषाद कहाँ, माया के इन सब रूपों में उसकी कोई आसक्ति नहीं रह जाती। अजर अमर आनंद स्वरूप आत्मा की अनुभूति कर लेने के बाद आत्मदर्शी ज्ञानी के लिए सभी परा अपरा विद्या, शास्त्र और विश्व का सब ज्ञान निरर्थक हो जाता है। उसके लिए तो अपनी देह के प्रति भी अहम भाव नहीं रहता। मंद बुद्धि मनुष्य अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर भी अहंकार जन्य मूर्खता का त्याग नहीं करता, अपने बाहरी आचरणों से स्वयं को निर्लिप्त दिखाते हुए भी मन ही मन विषय भोग की लालसा में डूबा रहता है। इसके विपरीत आत्मज्ञान की सिद्धि के कारण जो व्यक्ति कर्मफल की आकांक्षा से मुक्त हो गया है, वह व्यवहारिक जगत में कर्मशील होता हुआ भी न तो कर्मठ होने का दावा करता है और न ही किसी इच्छा या लालसा के वशीभूत होकर कार्य करता है। जो ज्ञानी माया मोह से मुक्त हो गया है, उसके लिए बाह्य प्रकाश और अंधकार एक समान प्रतीत होते हैं। जिस मनुष्य का अंतःकरण स्वतः प्रकाशित है, उसे हानि लाभ के द्वंद्वों से मुक्ति मिल जाती है, वह पूर्ण तृप्त और विकारहीन हो जाता है। ऐसे विचार शून्य जीवन मुक्त मनुष्य को स्वर्ग नर्क मोक्ष बंधन आदि विकल्पों में किसी की अपेक्षा नहीं रहती। सर्वदा आत्मभाव में पूर्णतः रमने वाले योगी की दृष्टि में किसी विकल्प का कोई महत्व नहीं रह जाता। उसके लिए अजर अमर आत्मा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं रहता। आत्मज्ञान संपन्न साधक न तो लाभ की प्रार्थना करता है और न ही हानि होने पर शोकातुर होता है। उसका मन सदैव शांत शीतल अमृत से परितृप्त रहता है। वह अपने अंतर के आनंद में मग्न रहता है और कभी न्यूनाधिक आशा अभिलाषा भी नहीं करता। ज्ञान प्राप्त करके निष्काम कर्म करने वाला साधक न तो किसी की स्तुति करता है और न दृष्ट का निंदक बनता है। अपने आनंद से परितृप्त होता हुआ वह किसी प्रकार के कर्तृत्व बंधन में नहीं बंधता और निरपेक्ष बुद्धि से सभी सुख दुख स्वयं भोगता है। वह सब प्रकार के विधि निषेधों से विमुख होकर सर्वदा निर्द्वंद्व निर्विकार एवं निरासक्त रहता है। वह भावाभाव समदृष्टि रखते हुए सभी परिस्थितियों में पूर्णतः तृप्त मन से रमण करता है। वह सुख दुख सभी संशयों में रहित किसी में आसक्ति नहीं रखता। विषय भोग से सर्वथा निसंग रहते हुए उसके हृदय में वासना और तृष्णा का लेश मात्र भी नहीं रहता। ऐसे सदा तृप्त सौम्य व्यक्ति की तुलना ज्ञानी के अतिरिक्त किसी के साथ नहीं की जा सकती। ऐसा परिपूर्ण जीवन मुक्त मनुष्य आँखों से देखता हुआ भी नहीं देखता, जानते हुए भी नहीं जानता और बोलते हुए भी मौन रहता है। उसकी उपमा किसी से नहीं की जा सकती,
वह अपने आप में ही अनोखा होता है। जो निष्काम है, जिसे आँखों को सुंदर लगने वाले पदार्थ पाने की लालसा नहीं और न कुरूप चीज़ों के प्रति अरुचि है, जिसका सुंदर असुंदर का भेद मिट चुका है और सब परिस्थितियों में समरस रहने का स्वभाव बन गया है, वह चाहे भिक्षुक हो या राजा हो, श्रेष्ठ है, यशस्वी है। जो निश्चल है, सरल हृदय यथार्थ योगी है, वह कभी स्वेच्छारी नहीं होगा और न स्वार्थी होगा। सत्य असत्य के निर्णयों में उसे देर नहीं लगेगी, उसके मन में संशय भी नहीं होगा। वह स्वभाव से निष्प्रिय, निरीह और श्रेष्ठ आचरण करने वाला होगा। सर्वथा आत्मतृप्त आशा निराशा से ऊपर उठे निष्काम कर्म योगी का दृश्य जिस अलौकिक आनंद का अनुभव करता है, उसे वाणी से कोई भी नहीं कह सकता। वह निर्वचनीय है, अनुपम है, स्वयं वेद्य है और शब्दों में उसका वर्णन नहीं हो सकता। लोक दृष्टि से वह भले ही सुखी या दुखी होता हो, किंतु तत्वतः वह सुख दुख दोनों में एकरस रहता है। उसका अनुरागी या वैरागी दिखना भी सच नहीं होता। मुक्त होते हुए भी मुमुक्षु मालूम होता है, महान होते हुए भी शूद्र मालूम होता है। उसके जीवन में ऐसे विरोधाभास केवल प्रतीत होते हैं, वास्तव में सब नहीं होते। जीवन मुक्त ज्ञानी प्रारब्धवश उपस्थित प्रत्येक परिस्थिति में स्वस्थ मन और प्रत्येक कर्म से संतुष्ट रहता है। मन में किसी भी प्रकार की तृष्णा या अतृप्ति न रहने से वह सर्वत्र समरस रहता है और अपने किए या न किए गए कार्यों को पुनः पुनः स्मरण नहीं करता, क्योंकि उसमें किसी प्रकार का हठ या आग्रह नहीं होता। वह दूसरों के द्वारा प्रशंसित होने पर अतिशय प्रसन्न नहीं होता अथवा निंदा सुनकर भी क्रुद्ध कदापि नहीं होता। स्तुति या निंदा का उसके मन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मृत्यु के समय वह भयग्रस्त या उद्विग्न नहीं होता और दीर्घ जीवन पाने की स्थिति में आहुलाहित भी नहीं होता। उसका मन राग द्वेष से सर्वथा परे होने के कारण सदा तृप्त और तुष्ट रहता है।